हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर पॉइंट फॉर यू। और आज की इस वीडियो में हम दो अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आए हैं। एक है आपकी DXC टेक्नोलॉजी की तरफ से, दूसरी आपकी एकोलाइट डिजिटल की तरफ से, जिसमें आपका 21, 22, 23 वाले एलिजिबल होने वाले हैं। इसमें मोस्टली इंजीनियर बैकग्राउंड वाले ही एलिजिबल होने वाले हैं, ठीक है। सारी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पर न्यू हो और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि इन फ्यूचर मैं किसी भी प्रकार की किसी भी टॉपिक पर अगर कोई भी वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ऑलरेडी हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है, मोस्टली अभी ऑफ कैंपस हायरिंग से रिलेटेड ही वीडियोज़ हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी से किसी भी तरह की कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। इसीलिए हमने ऑफ कैंपस हायरिंग के ऊपर ही ज़्यादा फोकस कर रखा है, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये दो अपॉर्चुनिटी, एक आपकी होने वाली जावा डेवलपर की, जो होने वाली एक्वालाइट डिजिटल की तरफ से, जो आप देख पा रहे हो दो दिन पहले ही अपलोड की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नीचे कर लेते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो कोर जावा और मल्टी थ्रेडिंग की नॉलेज होनी चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम की आपको नॉलेज होनी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रायर एक्सपीरियंस इन फ्रेमवर्क नॉलेज लाइक स्प्रिंग और हाइबरनेट। और जॉब डिस्क्रिप्शन में आपका वही कोर जावा मल्टी थ्रेडिंग, यही सारी चीज़ें हैं। और आपकी जो एजुकेशन होनी चाहिए, बैकग्राउंड बैचलर या मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकंड जो होने वाली है DXC टेक्नोलॉजी की, ठीक है। ये 6 मार्च को अपलोड की गई है। ये होने वाले असिस्टेंट प्रोफेशनल टेस्ट इंजीनियर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं आपको क्या क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, मैनेजमेंट स्किल अच्छी होनी चाहिए, और विलिंग टू ट्रैवल, अबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली एंड टीम, अटेंशन टू डिटेल, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। और ये पर्टिकुलरली जो प्रोफाइल है ये आपकी होने वाली है नेटवर्किंग से रिलेटेड, इसलिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए, राउटर्स, स्विचर्स, देन आपका TCP/IP, देन आपका नेटवर्क मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस सिस्टम एंड देयर यूजेस की नॉलेज होनी चाहिए। और अगर एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करें तो बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए और कंप्यूटर साइंस के अंदर, ठीक है। तो अगर आपको दोनों में से किसी में भी इंटरेस्ट है तो अप्लाई कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।